बबीता सिंह एडवोकेट ने लड़ाई झगड़े को लेकर एसएसपी बरेली से की शिकायत। प्रार्थनी अपने ही मोहल्ले के ठाकुरदास, उसके पुत्र सुमित, सूरज, बहन दगड़ू, पुत्री जगन्नाथ, मंजू, पत्नी ठाकुरदास के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा किया हुआ है। कल दिनांक 10/6/2019 को समय करीब 5:30 बजे ठाकुरदास और उसका बेटा सुमित मेरे घर के दरवाजे पर गंदी गंदी गालियां दे रहा था और कह रहा था कि मैं इस वकील को नहीं छोड़ूंगा, इसे जान से मार दूंगा, इसका वो हाल करूंगा, इसने कभी सोचा भी नहीं होगा, इसलिए मुझे पहले भी मुकदमे में फंसाया है और अगर ये मुकदमा वापस नहीं लेगी तो इसके ऊपर तेजाफी कर्ज का चेहरा दिखा दूंगा, जिससे ये कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होगी। 2016 में एक मुकदमा किया था उनके पड़ोसियों के खिलाफ। उस मुकदमे में उन लोगों के वारंट हो गए थे। उस वारंट से वो लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस तरीके से ही आप समझौता कर लें। जब इन्हें बात नहीं मानी तो 10 तारीख को 5:30 बजे ठाकुरदास उनका बेटा सुमित इनके घर में घुसाया, इनके संग वहाँ गाली गलौज करी और ये कह रहा था कि वकील नहीं छोड़ूंगा, जान से मार कर रहा हूँ अगर मुकदमे में। उस बाबत हम थाने गए थे, वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो यहाँ पे आए कप्तान साहब के यहाँ। कप्तान साहब ने कहा कि मैं उचित कार्रवाई करूँगा, उचित कार्रवाई करूँगा। ये किस मामले में मुकदमा लिखा गया? ये गेट के पास खेलते थे, शराब पी थे, गाली गलौज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मैंने हमारे गेट के पास ही रखे, तो मैंने स्कूटी निकाल के तो जगह नहीं मिलती थी, तो मैंने कई बार था कि आपको कहीं और रखते हैं इस बात पे ये लोग बड़ी वकालत दिखाती है, वकालत निकाल देने लिए वो मतलब विन करे हुए थे, गाली गलौज करने लगे, घर के अंदर घुस गए, मारपीट करी, मेरा काफ़ी सामान तोड़ दिया था। फिर मैंने थाने में कंप्लेंट करनी चाहिए तो उन्होंने मतलब दफा दफा कर दिया, ऐसे थाने से कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई, तो फिर मैंने 156(3) डाल के कोर्ट से मुकदमा दायर करा। अब इस चीज का रंजिस मान है क्योंकि उनका वारंट वगैरह भी चल रहे हैं, तारीख पे आते नहीं है, घमंड करता है ना कोर्ट कचहरी, तो अब मुझसे रंजिस मानने लगे तो कहते हैं मुकदमा वापस लेने पड़ने, या तो जान से मार देंगे या मुकदमा तेजाब डाल देंगे, तो कहीं खाने लायक।